भारतीय स्टेट बैंक के 42 करोड़ से ज्यादा खाताधारक नहीं निकाल पाएंगे कैश। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विशाल ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के नए रूल्स के बारे में, जो कि दोस्तों 2020 में लागू किया गया है। दोस्तों, अगर आपके पास भी एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड है, आपके पास भी एसबीआई का खाता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का जरूर देखिएगा। यह आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। अब दोस्तों, SBI ने 2020 में एक नया रूल लागू किया है जो कि आप सभी के लिए होगा। दोस्तों, अगर आप ATM से पैसा निकालने जाते हैं SBI के, तो वहां पर आपको एक OTP कोड भी अब देना होगा। अगर हम पिछले दिनों की बात करें, आप जब भी कैश विड्रॉ करने जाते थे ATM से SBI के, तो आप जैसे ही वहां पर कार्ड लगाते थे, सिर्फ आपको अपना पिन कोड एंटर करना होता था और आपका कैश निकल जाता था। लेकिन दोस्तों, 1 जनवरी 2020 के बाद ऐसा नहीं होगा। आप जब भी SBI के ATM पर जाएंगे, आप अपना डेबिट कार्ड लगाएंगे, इसके बाद दोस्तों यहां पर जब आप अपने 10,000 रुपये से ज़्यादा निकालेंगे, तो वहां पर आपको एक OTP कोड देना होगा। अब दोस्तों, याद रखिए, जो OTP कोड है वो आपको उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है। जब तक आप उस OTP कोड को वहां पर नहीं फिल करेंगे, आप अपनी कैश नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है SBI की तरफ से। इससे होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड से भी आप बच जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें पिछले दिनों की, तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड के मामले देखने को आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये जो नया नियम SBI की तरफ से आया है, ये सिर्फ SBI के ATM पर ही लागू होगा। अगर आप किसी अदर बैंक के ATM से पैसा निकालते हैं, तो वहाँ पर आपको OTP नहीं देना होगा। वहाँ पर OTP का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे कि आप नॉर्मली पैसा निकालते थे उसी तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों, अब आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, अगर आप 1 जनवरी के बाद कैश विड्रॉ करने जाते हैं, तो आपको अपना मोबाइल नंबर जरूर लेकर जाना है। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आप समझ ही गए होंगे कि क्यों मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा भारतीय स्टेट बैंक के 42 करोड़ से ज़्यादा खाताधारक नहीं निकाल पाएंगे कैश। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, ताकि आपके दोस्त भी नई नई जानकारी हमसे लेते रहें। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी नई नई लेटेस्ट वीडियोस लेकर आता रहूं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।